और चलिए इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें। आप चुनावी समीकरण दुरुस्त करने में बीजेपी जुटी हुई है। हर विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलनों के आयोजन होंगे। युवा, किसान, ओबीसी, एससी और महिलाओं के सम्मेलन कराए जाएंगे। मार्च और अप्रैल में कार्यकर्ताओं को दाव पेश दिखाएगी बीजेपी। कार्यकर्ताओं के जरिए अलग अलग जातियों और वर्गों को साधने की कोशिश भी की जाएगी। युवा, किसान, ओबीसी, एससी और महिलाओं के सम्मेलन किए जाएंगे। कार्यकर्ताओं के जरिए अलग अलग जातियों और वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। और संवाददाता नगमा शेख हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ भी जुड़ गई है। नगमा, जिस तरीके से 2019 चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ समीकरण तैयार करने की कोशिश बीजेपी कर रही है? बिल्कुल मनीष, चुनाव करीब है और लगातार जो उत्तर प्रदेश में है वो हम बात करें कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल पे, तो लगातार जो बीजेपी है वो मजबूती के साथ वो विकास कार्य हो, चाहे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हो, हर तरह से वो कोशिश कर रही है 2019 के चुनाव पर विजय पाने के लिए। तो लगातार ये जो कोशिशें हैं बीजेपी की वो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। मंत्री से लेकर सांसद, हर छोटे बड़े कार्यकर्ता और मंत्री, मुख्यमंत्री भी इन कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं। नगमा, किस तरीके से इसका रूट मैप तैयार किया जा रहा है? क्या हर विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन होंगे और किस तरीके से सबको एकजुट किया जाएगा? बिल्कुल, अभी आपको बता दें कि अमित शाह भी बूथ लेवल पे लगातार बूथ कार्यकर्ताओं से, बूथ अध्यक्षों से जो विजय मूल मंत्र है उसके बारे में बात करते रहे। उसके बाद अभी विधानसभा, क्योंकि विधानसभा मजबूत होगी, बूथ मजबूत होगे तभी विजय पा सकते हैं, ऐसा जो बीजेपी का नारा है, जो बीजेपी का कहना है। तो लगातार इसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है, बूथ को मजबूत करना, विधानसभा को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं से मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रही है। बन रही है नगमा आप हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस ने जहां सपा बसपा गठबंधन के ऑफर को ठुकराया। जी हां, कांग्रेस ने सपा और बसपा के गठबंधन के ऑफर को ठुकरा दिया। दरअसल कांग्रेस ने 9 सीटों के ऑफर को ठुकराया है। यूपी महागठबंधन में कांग्रेस को लाने की कोशिश अब फेल होती दिख रही है। यूपी में हाथी के हाथ को लाने की कवायद फेल होती दिख रही है। कांग्रेस ने साफ तौर पर गठबंधन के ऑफर को ठुकरा दिया है। बता दें आपको, सपा बसपा 9 सीटें देने को तैयार थी कांग्रेस को, लेकिन इन 9 सीटों के ऑफर को कांग्रेस ने ठुकराया है और यूपी महागठबंधन में कांग्रेस को लाने की कोशिश सपा बसपा गठबंधन की अब फेल हो गई है। और संवाददाता नगमा शेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। नगमा, जिस तरीके से लगातार हम गठबंधन की सुगबुगाहट तो देख रहे थे, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस ने मना कर दिया, 9 सीटों के ऑफर को ठुकरा दिया है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।